हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। ये 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पर, ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलस विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। फिगर 9.17 की बात की गई है, तो ये वाला फिगर है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया गया है, यानी कि इसकी दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। एक तो साइड ए बी, इसकी लेंथ भी 7.5 सेंटीमीटर है, एक ये वाली साइड है ए सी, इसकी भी जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों की लेंथ जो है सेम है। और दूसरी चीज़ क्या दी गई है आपको, बी सी, ये वाला जो आपका बी सी बेस है इस ट्रायंगल का, इस साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर आपको बता रखी है। उसके बाद बोला जाता है द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी आई ई सी ई। तो अब क्या बोला गया है, देखो अब यहाँ पर आपके पास हाइट दे रखी है। एक तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे दो बेस आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो आप बी सी बेस देखो, बी सी के ऊपर हाइट पड़ी हुई है ये ए डी, राइट, ए डी ये हाइट है, ए डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर आपको बता रखी है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इस पूरे ट्रायंगल का पहली चीज़ तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया तो आप साफ साफ निकाल लोगे, देखो दिख रहा है ये बेस है और ये रही आपके पास हाइट। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बेस भी है और ये वाली हाइट भी है, तो दोनों चीज़ हमारे पास हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। पहली चीज़ तो ये बोली गई है कि ट्रायंगल का एरिया निकालो, वो हम निकाल लेंगे। और दूसरी चीज़ क्या बोली गई है, वट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी आई ई सी ई। ये जो सी ई आप देख रहे हैं ना, सी से लेकर ई तक, ये दूसरी हाइट है इस ट्राइंगल की। ये हाइट का मेजरमेंट आपको दे नहीं रखा और ये आपको निकालना है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, सबसे पहले एरिया निकालेंगे, फिर इस सी ई हाइट का मेजरमेंट निकालेंगे। देखो यहाँ पर मैं बोल रही थी दो बेस हैं, एक तो आप बी सी को बेस मानोगे तो हाइट आप ए डी लोगे, राइट, और अगर आप ए बी को बेस मान के चल रहे हो तो आपकी हाइट ये वाली होगी, यानी सी ई, इसको आप हाइट लोगे। ठीक है, तो अब एरिया निकालने के लिए हमें कौन सा बेस और कौन सी हाइट चूज़ करनी चाहिए। देखो अभी सी से लेकर ई तक ये जो सी ई हाइट है, इसका तो हमें मेजरमेंट पता ही नहीं है, तो हम इसको क्यों चूज़ करें, हम बी सी वाला जो बेस है इसको चूज़ करते हैं और ए डी वाली हाइट ले लेते हैं। और दोनों का मेजरमेंट हमें पता है, ए डी हाइट का 6 सेंटीमीटर और बी सी बेस का 9 सेंटीमीटर। तो हम सिंपली से क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं, बेस और हाइट हमें पता है इनकी मदद से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर आप ट्रायंगल के लिए इस तरीके से ट्रायंगल लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एरिया निकालना है ट्रायंगल एबीसी का, तो वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी इंटू एच से निकलेगा। ठीक है, बेस इंटू हाइट, अब आपके पास बेस भी है, कितना सेंटीमीटर बेस दिया गया है, 9 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये लिख दो, बी सी बेस और ए डी हाइट। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आप यहाँ पर ना ये लिख लो, देखो ऐसे लिख लो इसको, बी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, यही तो हम करेंगे अभी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ 1/2 ये रहा और ए बी सी ट्राइंगल का बेस हमने बी सी लिया है, हाइट हमने ए डी ली है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो 1/2 और बी सी की मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर और ए डी की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, एम आई राइट, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप 9 और 6 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हो तो 54 आ जाता है। ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब यहाँ पर ये हो गया 54/2, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 54 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो सॉरी डिवाइड करना है, इन दोनों का डिवीजन करना है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 7 ज़ा 4, 27 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 1 4 उतरेगा, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो 27 इस तरीके से आंसर आपका आ रहा है। तो
27 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर, आपका एरिया क्या आ गया, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ से एक चीज़ तो हमें यहाँ पर पता चल गई कि हमसे एरिया पूछा था, वो हमने निकाल दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, हमें हाइट पता करनी है, सी ई, इसकी हाइट पता करनी है। तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चंस में जैसे किया है, वैसे ही सिमिलर ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या पता चल गया, अभी एरिया तो हमें पता चल ही गया है, अब हम क्या करते हैं, ये जो ए बी है इसको बेस ले लेते हैं और ये जो हाइट है सी ई इसको एज अ हाइट ले लेते हैं, ठीक है। इस अब हमने दूसरा बेस लिया, ए बी एज अ बेस और सी ई एज हाइट हम लेंगे, ठीक है। और एरिया हमें ऑलरेडी पता है, तो अगर आप बी सी बेस लो और ए डी हाइट लो तब भी एरिया सेम ही आना है, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा, फिगर तो सेम ही रहेगी। अगर आप ए बी बेस लो और सी ई हाइट लो तब भी आपका एरिया सेम ही आना है। तो एरिया तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आना ही आना है, चाहे आप कोई सा भी बेस हाइट लो, ठीक है। तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा फिक्स है, वो हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, ए बी को एज बेस ले लेते हैं और सी ई को हाइट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सी ई की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, चलो क्वेश्चन करते हैं आके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे किया है, वैसे सेम ये क्वेश्चन है। अब हमें पता लगाना है लेंथ ऑफ सी ई। ये पता लगाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। हमें पता है कि जो एरिया है, एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी इंटू एच, नहीं तो आप ऐसे लिख दो कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी इंटू एच इज इक्वल्स टू एरिया, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और हमें अभी एरिया ऑलरेडी पता ही है, एरिया हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया का फॉर्मूला है ना, और ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जगह हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें एरिया ऑलरेडी पता है। एच हाइट हमें नहीं पता, हाइट को हम सी ई ही रखेंगे। बेस हमें पता है, बेस हमारे पास कितना है, बेस हम किसको ले रहे हैं, ए बी को बेस ले रहे हैं और ए बी 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर बेस हो गया और 1/2 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हम कर लेंगे इसको सॉल्व। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, 7.5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय सी ई इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब सी ई को इधर अकेला छोड़ देंगे क्योंकि सी ई की वैल्यू हमें निकालनी है, और 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो अभी तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके नंबर्स क्या हो जाते हैं, ठीक अपोजिट हो जाता है उनका, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ ये डिवाइड हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 2, ठीक है, और ऐसे डिवाइड होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप 27 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, फिर दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 ये तो ऐसे ही रहेगा, और 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 की जगह हो जाएगा 2/7.5 सेंटीमीटर, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। जब भी डिवीजन करते हैं तो ऐसा ही होता है ना, आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, और एक तरफ 1 और 7.5 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और अपॉन में 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सबसे पहले काम करते हैं डेसिमल हटा देते हैं, 7.5 सेंटीमीटर है ना, अब इसका डेसिमल हटा देते हैं, ये जो डेसिमल लग रहा है यहाँ पर, पॉइंट लग रहा है, इसको जब भी हम हटाते हैं तो आपको पता होगा क्या तरीका होता है, जब भी डेसिमल हटेगा तो अभी डेसिमल के आगे एक नंबर था, अभी डेसिमल के आगे एक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। चलो मैं इधर ही बता देती हूँ, देखो अभी डेसिमल के आगे क्या है, एक नंबर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा,
एक जीरो इसलिए लगा क्योंकि एक नंबर था, अगर यहाँ पर होता 7.56 यानी दो नंबर होते, 7.56 होता यानी दो नंबर होते तो दो जीरो लगते वन के आगे। अभी सिर्फ एक नंबर है 7.5 तो एक जीरो लगा है वन के आगे। ये होता है ये जब भी आप डेसिमल हटाते हैं तो ये चीज़ करनी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली डेसिमल हमारा हट गया है, अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो देखो अब सॉरी ये डेसिमल मैंने लगा दिया, देखो अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो देखो यहाँ पर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और 75 सेंटीमीटर ये दोनों थ्री के टेबल से जा रहे हैं, 3 9s are 27 और 75 को आप थ्री के टेबल से डिवाइड करके, मतलब आप देख लेना थ्री की डिविजिबिलिटी रूल से, दोनों ही थ्री के टेबल में आते हैं यानी थ्री से डिविजिबल हैं। तो ये 3 × 25 75 होता है तो ये 25 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब एक तरफ 9 है, इधर 25 है, देखो 25 और 10 ये 5 की टेबल में आते हैं यानी 5 से दोनों डिविजिबल हैं, तो 5 5s are 25 ऐसे कर दो और 5 × 2 10 होता है तो यहाँ 2 आ गया। अब देखो कोई भी चीज़ नहीं जा रही, 5 यहाँ पर, 9 यहाँ, 2 यहाँ पर भी 2, कुछ नहीं हो रहा। तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, 9 × 2 × 2, ठीक है। तो ऊपर तो आपका आ जाता है 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे आपका आ जाएगा 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अब 36 और 5 को आपको करना है डिवाइड, तो 5 और 36 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 5 7 = 35 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, फिर आप पॉइंट लगाओगे, डेसिमल लगाओगे और 0 बढ़ा दोगे और 5 2 = 10 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 7.2। तो 7.2 सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएगी CE की हाइट निकाल रहे थे ना, 7.2 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी CE की। तो ये पूरा कैलकुलेशन करना है CE की हाइट निकालने के लिए और यहीं पर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे की क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।